बिल्कुल विनोद, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां साधु संतों से तो आशीर्वाद दिया, लेकिन मुख्य मंच पर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मंच पर मौजूद हैं। और देखिए, जो कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे वो भी तमाम लोग मुख्य मंच पर पहुंचे हैं। अब इंतजार हो रहा है यहाँ उत्तर प्रदेश के सीएम का, और सबसे ज्यादा इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। और जब ये तमाम मेहमान मंच पर मौजूद होंगे और शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा, शपथ लेनी शुरू हो जाएगी, और समय बहुत कम बचा है, मात्र 39 मिनट ही बचे हैं। और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी गंगा पर, आप देख सकते हैं ये राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे, साथ ही आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर भी पहुंचे हैं, असम के सीएम पहुंचे हुए हैं, विजय बहुगुणा भी पहुंचे हैं, रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मंत्री पहुंचे हुए हैं। और शपथ ग्रहण ये जो समारोह उत्तराखंड का हो रहा है, एक बड़ा संदेश पूरे देश में इससे भाजपा देना चाहती है 2024 के लिए। इस बार बड़ी जीत भाजपा को मिली है 4 राज्यों में, और इसी तरह की तस्वीरें मानी जा रही है कि बाकी राज्यों में भी जो शपथ ग्रहण होगा वहां देखने को मिलेगी। 25 तारीख को उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद 27 तारीख को गोवा में भी होने जा रहा है। प्रमोद सावंत वहाँ शपथ लेंगे गोवा के मुख्यमंत्री की। और देखिए तमाम ये लोग इस वक्त मंच पर मौजूद है, 4 राज्यों में जीत दर्ज की है, और जब वहां के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे तो लगभग ऐसी ही तस्वीर वहां भी देखने को मिलेगी। लेकिन शुरुआत ये हो चुकी है उत्तराखंड से, देवों की भूमि उत्तराखंड को एक और नए मुख्यमंत्री, प्रभावशाली प्रतिभाशाली मुख्यमंत्री भाजपा देने का वादा कर रही है, और वो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ लेने जा रहे हैं। और समय काफी कम बचा है, मात्र 37 मिनट के बाद ये शपथ ग्रहण समारोह विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा, एक एक कर जहां तमाम मंत्री और खुद मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी और मजबूत तस्वीर आप देख रहे हैं देहरादून के इस परेड ग्राउंड से, जहां पर भाजपा शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, और कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, और साथ ही उत्तराखंड के बड़े नेता मौजूद हैं, मंत्रिमंडल के जो लोग रहे हैं वो भी मौजूद हैं, पुष्कर सिंह धामी, सतपाल महाराज, गणेश जोशी पहुंचे हुए हैं, हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर भी तस्वीरों में आप देख पाएंगे, साथ ही गुजरात, असम, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी मंच पर। देखिए नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी अब मंच पर पहुंच चुके हैं, हाथ लाकर अभिवादन किया जा रहा है, और वहां मौजूद जो लोग हैं उनमें को खासा जोश और उत्साह दिख रहा है। और इस वक्त लगभग भर चुका है ये पूरा परेड ग्राउंड, तमाम जो आम लोग हैं उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश और अलग अलग क्षेत्रों से समर्थक पहुंचे हुए हैं, जो देखना चाहते हैं एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी को शपथ लेते हुए। और देखिए उनके लिए, पुष्कर सिंह धामी के लिए ये मौका खास है, ये जो शपथ ग्रहण है बेहद भव्य है, ये जो उनके जीवन का मौका है, जो जिम्मेदारी दी गई है आला कमान की तरफ से, उसे वे बार बार कह रहे हैं कि पूरी शिद्दत से उसे निभाएंगे, और जो जो प्रधानमंत्री का एक विजन है उत्तराखंड को लेकर उसे पूरा किया जाएगा। और 2025 में उत्तराखंड 25 साल पूरे कर लेगा अपनी स्थापना के, और ऐसे में तमाम बड़ी परियोजनाएं और उत्तराखंड का एक भव्य रूप, एक बड़ा रूप दिखाने की पूरे देश विदेश में कोशिश है। और देवभूमि ये कही जाती है जहां तमाम देव स्थानों से लेकर और विकास की गंगा यहां बहाई जाएगी, इसी विजन को लेकर केंद्र और इस वक्त धामी आगे बढ़ रहे हैं, और डबल इंजन की सरकार वो तमाम विकास परियोजनाओं को पूरा करेगी। इसी वादे के साथ उत्तराखंड में एक बार फिर से वापसी हुई है भाजपा की। और देखिए योगी आदित्यनाथ भी मंच पर पहुंच चुके हैं धामी के साथ, पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मंच पर। और देखिए यही तस्वीर उत्तर प्रदेश में 2 दिन बाद दिखेगी, जब 25 तारीख को योगी आदित्यनाथ फिर से सीएम बनेंगे, लेकिन उससे पहले वे शामिल होने आए हैं पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंच पर पहुंच चुके हैं, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से उन्होंने मुलाकात की है, और ये देखिए हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए योगी आदित्यनाथ, बहुमत मिला है, प्रचंड जीत मिली है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में, केंद्रीय मंत्रियों से तमाम अतिथियों से मुलाकात योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं। और देखिए जैसे ही योगी आदित्यनाथ मंच पर आए तो अलग सा उत्साह वहां मौजूद लोगों में, वहां मौजूद भीड़ में नजर आ रहा है, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए योगी आदित्यनाथ, एक मजबूत भाजपा की तस्वीर यहाँ से देने की कोशिश है।
भारत माता की जय के नारे मंच से लगाए जा रहे हैं और पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है। खुद पुष्कर सिंह धामी मंच पर मौजूद हैं, सभी को गले लगाकर उनकी बधाई स्वीकार की जा रही है। बड़ा दिन है पुष्कर सिंह धामी के लिए, 12वें मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उत्तराखंड के। और मंच पर जो मजबूती भाजपा की इस समय दिख रही है, एक बड़ा मैसेज देने की पूरी कोशिश हो रही है। जहाँ कहा जा रहा है कि इन चार राज्यों में मिली जीत भाजपा के हौसले बुलंद कर चुकी है, 2024 की जीत सुनिश्चित है, ये भाजपा के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं। और देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात की जा रही है पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। उनके कैबिनेट में जो मंत्री रहे हैं वो भी शामिल है, 8 मंत्री हैं जो उनके साथ आज शपथ लेंगे। और सभी इस वक्त देखिए एक एक कर बड़े नेता उत्तराखंड के मंच पर ही पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर अब बैठ चुके हैं, साथ में हरियाणा के सीएम भी मौजूद है। और देखिए हमारे संवाददाता पंकज भी हमारे साथ है। पंकज, और क्या तस्वीरें आप वहां से देख पा रहे हैं? परंपरा रही है, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए पंकज मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और कौन कौन पहुंच चुका है मंच पर? मुख्यमंत्री नहीं, मैं इस प्रदेश का प्रधान। चलिए विनोद का रुख करेंगे, विनोद भी परेड ग्राउंड में मौजूद है। विनोद, और जानकारी दें इस वक्त समारोह से जुड़ी। बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले मंच ही आपको दिखाऊं तो मंच पर तमाम पार्टी के नेतागण पहुंच चुके हैं, चाहे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो, आसाम के मुख्यमंत्री हो, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हो, या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो, और थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और तमाम बस अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनु हो रहा है। प्रधानमंत्री कुछ ही क्षणों में अब इसी मंच पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसी मंच के पीछे हेलीपैड बनाया गया है और हेलीपैड पर सीधे लैंड करेंगे और उसके बाद में मुख्यमंत्री शपथ कार्यक्रम में वो शिरकत होगी करेंगे। और उसके अलावा मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो दूसरी बार आज राज्य की कमान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को मिलने जा रही है। उससे ठीक पहले जितने 12 राज्यों के जहां पर भी भाजपा की सरकार है, 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पहुंचने की जो जानकारी थी उसमें करीब 6 मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के यहां पर पहुंच चुके हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजस्थान से हो, या अन्य जो भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे रमेश पोखरियाल निशंक हो, विजय बहुगुणा हो, या तमाम पार्टी के नेतागण। अभी थोड़ी देर बाद में शपथ का सिलसिला शुरू होगा, जैसे ही 2:40 होगी अनु, उसके बाद में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में दूसरी बार शपथ लेकर राज्य की कमान संभालेंगे। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का हो रहा है, क्योंकि अब करीब 30 मिनट बचे, यानी आधा घंटा अभी बचा है। उसके बाद में इस पूरे मंच, इसी प्रांगण में जो सजा हुआ मंच आप लोग देख रहे हैं, हमारे एबीपी गंगा के दर्शक देख रहे हैं, इसी मंच से जो शपथ समारोह कार्यक्रम होगा वो सीधे देख सकेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का इंतज़ार सभी को हो रहा है और पूरा ये प्रांगण, यह पूरा परेड मैदान पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है और करीब जो कैपेसिटी थी 20,000 से 25,000 लोगों की, यहाँ पर पूरी तरह से ये लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और दूसरी बाईं तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है वो भी सभी पहुँचे हुए हैं। और जिस तरह से आज मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी शपथ लेंगे और उनके जो सहयोगी 8 मंत्री हैं, चाहे सतपाल महाराज हो, धन सिंह रावत हो, रेखा आर्य हो, और युवा अगर चेहरा होगा तो सुबोध ये सौरभ बहुगुणा जो पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे हैं और अभी वर्तमान में दूसरी बार जीत कर आए हैं, वो धामी सरकार में हिस्सा होने जा रहे हैं। तो 8 मंत्री आज शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के साथ साथ। तो लिहाजा अब जो शेष समय बचा हुआ है उसका इंतजार हो रहा है कि उस समय में, उस शपथ समय से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे। और कुछ ही जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि अब हलचल तेज हो गई है और तमाम जितने पार्टी के नेता हों, मुख्यमंत्री देखिए मंच से उतरकर अभी उसी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं मदन कौशिक, अभी उसी ग्राउंड में पहुंचे हैं जहां पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड होना है। तो कुछ मिनटों का इंतज़ार अनु हो रहा है जब प्रधानमंत्री और तमाम यहां पर जो अन्य नेतागण आ रहे हैं वो यहां पर पहुंचेंगे। और अगर केंद्रीय मंत्री की बात करें तो अभी फ़िलहाल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी केवल यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन अभी सिलसिला केंद्रीय गृह मंत्री का इंतजार भी हो रहा है। और पंकज भी हमारे साथ इसी परेड ग्राउंड से मौजूद है। पंकज, आप क्या देख पा रहे हैं? पीएम को छोड़कर सभी मेहमान पहुंच चुके हैं।
बिल्कुल देखिए, अधिकतर जो मेहमान हैं वो पहुंच चुके हैं। सबसे ज्यादा जो इंतजार हो रहा था वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हो रहा था, और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है। अभी तमाम जो पदाधिकारी हैं, पार्टी के नेता हैं, वो इस मंच से उतरकर जो पीछे हेलीपैड बनाया गया वहां पर जा चुके हैं, और अब से ठीक 5 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का MI-17 यहाँ पर लैंड हो जाएगा। उसके बाद वो ठीक यहाँ से 10 मिनट बाद मंच पे होंगे, और इस साइड आप देखेंगे तो तमाम जो संत हैं वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का। और सबसे जो अच्छी बात रही वो ये रही, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी संत हैं, और योगी आदित्यनाथ के आने का जो एक अभिनंदन यहाँ हुआ है वो निश्चित जी खड़े होकर हाथ उठाकर अभिनंदन किया है, तो उनके आने का सबको इंतजार था। और तमाम जो लोग हैं, तमाम महिलाएं हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए धूप इतनी ज्यादा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर आप पंडाल देखेंगे तो पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। सबके जो सबने बीजेपी की टोपी लगा रखी है, भगवा में पूरा ये पंडाल हो रखा है। जहां तक आपको नजर जाएगी वो सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने और पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आए हैं। यहाँ से वहां तक देखिए सारा जो पंडाल है वो भगवा में हो रखा है। तमाम जो लोग हैं, खासकर महिलाओं की संख्या आप देखेंगे तो काफी यही है। मैं यूपी से आई हूँ, उत्तर प्रदेश से आई हूँ, सहारनपुर से। तो ये इसमें शामिल होने आए हैं? हाँ, मैं शामिल आने आई हूँ क्योंकि मुझे बहुत खुशी है। मैं बीजेपी से क्षेत्रीय मंत्री महिला मोर्चा से हूँ, उत्तर प्रदेश से। इन्विटेशन दिया गया था आपको या ऐसे ही आए? मुझे नहीं, मेरी जो परिचित बहने हैं जो युवा मोर्चा उसकी महिला मोर्चा की। नहीं नहीं, मैं बागेश्वर से आए हैं। कितनी देर? मेरे को तो हो गया, कल से आया हूँ मैं। शपथ ग्रहण में शामिल होने आए हैं। देखिए लोग कल से 24 घंटे से यहाँ इंतजार कर रहे हैं, और आप देखेंगे तो तमाम जो लोग हैं, देखिए दूर दूर तक पूरा पंडाल जहाँ तक नजर आ रही है वो पूरी तरह से खचाखच भर गया है। अब इंतजार हो रहा है शपथ ग्रहण समारोह का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक अब से ठीक 5 मिनट बाद इसी मंच पर होंगे, और उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होगी वो यहाँ पर शुरू की जाएगी। तो तमाम लोगों का जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है। पिछले कई दिनों से तो लोग थे वो लगातार इंतजार में बैठे हुए थे कि देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड की देवभूमि पर आएँ और प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पहुँचेंगे, और उसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, उसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस मंच पर पहुंचने वाले हैं। अब इंतजार हो रहा है, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो मंच पर मौजूद हैं। देखिए राजनाथ सिंह की तस्वीरें मैं दिखा देता हूं, राजनाथ सिंह मंच पर पहुंच गए हैं, राजनाथ सिंह आ गए हैं। राजनाथ सिंह का इंतजार हो रहा था वो देखिए अभिनंदन उनका किया जा रहा है। राजनाथ सिंह मंच पर आ गए हैं, योगी आदित्यनाथ मंच पर बैठे हुए हैं, और हरियाणा के मुख्यमंत्री मोहन लाल खट्टर भी बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी देखिए वो सामने नजर आ रहे हैं। तो पूरी तरह के अभिनंदन कर रहे हैं राजनाथ सिंह, जनता का अभिनंदन कर रहे हैं। उधर मंच जो मंच पर बैठे हुए तमाम साधु संत हैं उनको हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं, और देखिए जो एक पूरी तरह से आप देखेंगे तो जो एक भव्य रूप देने की भाजपा ने कोशिश की है पूरे इस शपथ ग्रहण समारोह को, वो यहां पर पूरी तरह से नजर आ रहा है। तमाम जो दिग्गज नेता है वो यहां पहुंचे हुए हैं, राजनाथ सिंह योगी आदित्यनाथ से बातचीत कर रहे हैं। देखिए और अब से 2 दिन बाद यानी कि परसों खुद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं, तो ये सभी दिग्गज वहां पर होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां मौजूद होंगे, तो ये उसी का एक हम कहें तो उसका एक रिहर्सल यहाँ पर उत्तराखंड में किया जा रहा है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है। लेकिन यहाँ आप देखें नितिन गडकरी पहुंच गए हैं दोनों जी। पंकज बिल्कुल, तो ये पूरी तरह से यहाँ पर देखेंगे तो मंच पर तमाम तस्वीरें नजर आ रही हैं। जी जी, अपनी बात पूरी करते रहे। तो देखिए नितिन गडकरी पहुंच गए हैं और नेता है दिग्गज भाजपा के उत्तराखंड के, उनको अभिनंदन यहाँ पे किया जा रहा है। सुबोध उनियाल ने देखिए पैर छूकर राजनाथ सिंह को प्रणाम किया है, और ये मंच की ऐसी तस्वीरें हैं जो शायद बहुत कम नजर आती है देखने के लिए, जहाँ समेत तो तमाम जो नेता हैं एक ही मंच पर नजर आए इस तरह से। तो ये ऐसा मौका है लगाकर आए हैं, उत्तराखंड की ये पगड़ी पहचान मानी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए पंकज यही पहचान है, यही खासियत है भाजपा की लार्जर देन लाइफ पिक्चर दिखाने की, और ये भाजपा दिखा रही है कि कितने मजबूत वो इस पूरे देश में है। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद हैं, और इसी परेड ग्राउंड में विनोद हमारे सहयोगी हमारे संवाददाता बने हुए हैं, जो थोड़ी और जानकारी दे विनोद इन तस्वीरों के बारे में। अनु देखिए अभी बस कुछ ही पलों का इंतजार हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मंच पर होंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर शपथ लेंगे, उनके सहयोगी कैबिनेट मंत्री 8 जो
नाम अलग अलग हैं, चाहे सतपाल महाराज हो, सुबोध उनियाल हो, रेखा आर्य हो, सौरभ बहुगुणा हो, तमाम आठ ऐसे सहयोगी कैबिनेट मंत्री होंगे जो आज मुख्यमंत्री के साथ साथ में आज शपथ लेने जा रहे हैं। इंतजार बस केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का है। अभी उससे पहले राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो सह पर्यवेक्षक नियुक्त की गई थी मीनाक्षी लेखी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पहुँचे हैं और नितिन गडकरी पहुँच चुके हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो चाहे हिमाचल हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, त्रिपुरा हो, ये तमाम जो राज्य हैं उनके इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और अगर सबसे पहले बात करें तो केवल अब इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद में अब शपथ समारोह कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब करीब 25 मिनट शेष बची है। और देखिए सीधे मंच पर उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और केंद्रीय मंत्री हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान से गुप्तगु करते हुए तमाम पार्टी के नेता अलग अलग नेताओं के साथ में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अब करीब शेष 25 मिनट बची है। 25 मिनट के बाद में जो शपथ का कार्यक्रम यानी समय निर्धारित था, यानी 2:40 पर उसी समय पर मुख्यमंत्री के शपथ शुरू हो जाएगा कार्यक्रम। और उसके अलावा अगर बात करें तो 8 कैबिनेट मंत्री भी मुख्यमंत्री के साथ साथ में शपथ लेंगे। तो अनु ये जरूर मानिए कि अभी इंतज़ार सिर्फ प्रधानमंत्री का है। और जो जानकारी मिल रही है कि इसी मंच के ठीक पीछे हेलीपैड बनाया गया है और कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री विशेष शॉपर के द्वारा इसी पहुंचने वाले हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि अभी जैसे हेलीकॉप्टर पहुंचने वाला है, इस तरीके की जानकारी अभी मिल रही है, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो उत्तराखंड के नेता हों, चाहे प्रोटोकॉल मिनिस्टर धन सिंह रावत हो, वो उनको अभी रिसीव करने के लिए पहुँचे हैं। और ये देखिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चॉपर है अभी पहुँचने वाला है और कुछ ही सेकेंडों में अब ये लैंड हो जाएगा। बिल्कुल। और देखिए लगातार मंच से अनाउंसमेंट भी हो रही है, लेकिन विनोद इस बीच ये भी जानना चाहते हैं, और देखिए ये हेलीकॉप्टर भी दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है। और ये देखिए ये हेलीकॉप्टर भी इस वक्त आसमान में उड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बस मंच पर इंतजार है। एक एक कर सभी मेहमान मंच पर आते जा रहे हैं। और देखिए पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह भी मंच पर मौजूद है, उत्तर प्रदेश के सीएम मंच पर मौजूद है, असम के सीएम मंच पर मौजूद है, त्रिपुरा के, गुजरात के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के। और ये आप स्क्रीन पर भी हमारे देख सकते हैं कि कौन से वीआईपी मेहमान हैं जो इस वक्त इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, वो जहां पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की वसुंधरा राजे हैं और तमाम वो मंत्री भी मंच पर मौजूद हैं जो पुष्कर सिंह धामी के साथ आज शपथ लेंगे। 8 ये कुल संख्या है, 9 कुल शपथ होंगी जिसमें 1 होंगे धामी और 8 उनके कैबिनेट मंत्री होंगे। और पंकज हमारे संवाददाता, पंकज और जानकारी दे, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं। जी पंकज, पंकज आवाज आप तक मिल रही है? जी बिल्कुल। और देखिए जहां मंच पर मेहमान भी पहुंच रहे हैं, लेकिन एक हेलीकॉप्टर भी उतरा है, मंच के पीछे ही एक हेलीपैड बनाया गया है और वहीं पर हेलीकॉप्टर से जो भी मेहमान आ रहे हैं सीधा मंच पर उनका प्रवेश हो रहा है और मंच पर आकर उनका स्वागत किया जा रहा है। सिर्फ इंतजार पीएम मोदी का इस वक्त किया जा रहा है, लगभग सभी मेहमान पहुंच चुके हैं। पंकज जानकारी दे, अभी एक हेलीकॉप्टर भी आया है, पीएम का इंतजार हो रहा है, क्या जानकारी है? देखिए अभी इसमें शायद जो गृह मंत्री है अमित शाह, वो संभवतः इसमें आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर भी पहुंच गया है देहरादून के परेड ग्राउंड में। ये पहली फ्लीट थी उनकी, उनके फ्लीट के जो 3 हेलीकॉप्टर हैं, पहला हेलीकॉप्टर वो लैंड कर चुका है, MI-17 लैंड कर चुका है, उसके बाद दूसरा हेलीकॉप्टर आ रहा है। संभवतः राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी एक ही साथ एक ही फ्लीट में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, ऐसी जानकारी मिली। ठीक है जी, नेता है जो भाजपा के दिग्गज नेता है वो मंच से पीछे जो फ्लीट है वहाँ पर जा चुके हैं। जी बिल्कुल, तो ये संभावना जताई जा रही है कि गृह मंत्री और पीएम मोदी संभवतः अब आ चुके हैं और
उन्हीं का स्वागत करने के लिए जो तमाम मेहमान हैं वो पीछे जो ग्राउंड बनाया गया है हेलीकॉप्टर लैंडिंग का वहां पहुंचे हैं, वहां उनका स्वागत किया जाएगा और उसके बाद ये सभी लोग मंच पर आएंगे क्योंकि बड़ी देर से बड़े उत्साह के साथ यहां मौजूद जनता, परेड ग्राउंड में मौजूद जनता और एबीपी न्यूज देख रहे हमारे तमाम दर्शक इंतजार कर रहे हैं। पीएम मोदी भी मंच पर पहुंचेंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। बस इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी का और संभवतः गृह मंत्री अमित शाह भी, बताया जा रहा है कि वे भी अब पहुंच चुके हैं और हेलीकॉप्टर आया है, पीछे कुछ मेहमान गए भी हैं उनका स्वागत करने के लिए, उन्हें रिसीव करने के लिए और वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल सबसे सशक्त तस्वीर इस वक्त भाजपा ने पेश कर दी है इस मंच पर, जो एक बड़ा मैंडेट दिया है जनता ने उसकी ये तस्वीर देखिए। पंकज भी हमारे साथ है जी, पंकज क्या अपडेट है अभी? देखिए प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच लैंड कर चुका है, उनके हेलीकॉप्टर का जो तीसरी फ्लीट का जो तीसरा हेलीकॉप्टर है वो यहाँ लैंड कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से ठीक 5 से 7 मिनट बाद मंच पे होंगे क्योंकि उनके यहाँ आने का जो वक्त था वो 2:15 पर था और अब यहाँ पर उनकी जो फ्लीट है वो लैंड कर चुकी है। तीसरा हेलीकॉप्टर देखिए पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कुछ मिनटों के बाद मंच पर होंगे। भाजपा के जो बड़े नेता हैं मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के दूसरे वरिष्ठ नेता पदाधिकारी वो पीछे फ्लीट के वहां जा चुके हैं जहां पर हेलीपैड बना हुआ है, वहीं पर वो उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद वो सीधे मंच पर आएंगे। जो दूसरे तौर पर उत्तराखंड में आए हैं वो मंच पर बैठे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर बैठे हुए हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री हम मंच पर बैठे हुए हैं, उसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मंच पर बैठे हुए हैं, राजनाथ सिंह जी मंच पर बैठे हुए हैं, उसके अलावा नितिन गडकरी मंच पर बैठे हुए हैं, तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं क्योंकि देखिए दो तस्वीरें हैं, दो तस्वीरें बड़ी खूबसूरत है। एक मंच की तस्वीर देखेंगे आप और दूसरी तरफ पीछे की जो तस्वीर है वो जो लोग हैं वो सुबह से लगभग 10 बजे तक यहाँ पहुंचे हुए हैं, 10 बजे से वो इंतजार यहाँ कर रहे हैं लगातार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत माता की जय जयकार के नारे लग रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ इंतजार है। देखिए अमित शाह राष्ट्र जो भाजपा गृह मंत्री हैं वो पहुंच गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंच पर पहुंच गए हैं, सामने सीधी तस्वीरें हैं दोनों की। धन सिंह रावत उनका स्वागत करके आए हैं। ये अमित शाह देखिए अभिनंदन करते हुए, प्रदेश की जनता का अभिनंदन करते हुए कई रैलियां उन्होंने यहाँ पे की थी, लगातार वो चुनावी रैली में यहाँ आए थे, उसके बाद अब सरकार बनाने के बाद यहाँ पे आए हैं। देखिए किस तरह से वो जनता का अभिनंदन कर रहे हैं और ये एक इसलिए भी बेहतर नजारा है क्योंकि इससे पहले जब चुनावी रैलियों में यहाँ पहुंचे थे तो उन्होंने एक अपील प्रदेश की जनता से की थी, उनसे ये कहा था कि आप सरकार बनाइए तो हम आपका धन्यवाद करने आएंगे। और देखिए धन्यवाद करने के लिए मंच पे भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र के नेता, राज्य के तमाम मुख्यमंत्री वो यहाँ मौजूद हैं। तो ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि एक संदेश है, भाजपा का ये संदेश है कि एकजुटता, भाजपा की डबल इंजन की सरकार वो पूरी तरह से काम करेगी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अभी सभी का अभिनंदन किया है। ये जो 4-5 नेता है भाजपा के, हम अगर गृहमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, अमित शाह की बात करें, उसके अलावा अगर हम जेपी नड्डा की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, इन तमाम नेताओं की रैलियां यहां पर सबसे ज्यादा हुई थी। यहीं पर ये नेता उत्तराखंड की देवभूमि पर यहां कई बार वो आए, चुनावों के दौरान जगह जगह छोटी छोटी रैलियां उन्होंने की, कोरोना के बीच में यहां जनता से उन्होंने ये अभिनंदन किया, उनको ये संदेश देने की कोशिश की कि यदि भाजपा की सरकार बनती है तो डबल इंजन की सरकार भाजपा की उत्तराखंड में बेहतर विकास कर पाएगी। 5 साल के लिए फिर से प्रदेश की जनता ने मौका दिया है और उसी का अभिनंदन करने के लिए भाजपा के तमाम नेता मंच पर नजर आ रहे हैं, बैठे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जिनका सबसे ज्यादा यहाँ पर अभिनंदन किया गया है प्रदेश की जनता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के साथ एक खूबसूरत बात यह जुड़ी हुई है, उनका जन्म उत्तराखंड देवभूमि में हुआ है, देवभूमि से तपोभूमि से जन्म लेकर वो उनकी जो कर्म भूमि है वो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में वो अपनी कर्म भूमि को मानते हैं और वहीं पर देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनको सबसे ज्यादा चाहत है, उनको सबसे ज्यादा यहाँ के लोग पसंद भी करते हैं और इसीलिए वो आज मंच पर बैठे गए। विशेष आमंत्रण पर उनको यहाँ बुलाया गया है क्योंकि उनका भी अपना परसों बड़ा कार्यक्रम है, परसों वो भी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं, वहां की तैयारियां चल रही हैं, वहां पर तमाम तरह की बैठकें हो रही हैं, उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ यहां आए हैं। तो ये तमाम खूबसूरत नजारा देखिए, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो बात करने गए हैं और अमित शाह से वो बात कर रहे हैं, उन्होंने कोई मैसेज उनको दिया है वो उनसे बात कर रहे हैं। तो ये मौका होता है क्योंकि बहुत कम समय होता है जब मुलाकात हो पाती है, कोई अगर बहुत विशेष बात होती है तो ऐसे मौके पर ही ये बातचीत हो पाती है और इसीलिए जो मनोहर लाल खट्टर है उन्होंने, उनके मन में कोई विचार आया होगा तो बातचीत करने के लिए तो उनसे बात कर रहे हैं, उन्हें कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके राज्य की कोई बात हो वहां पर मैसेज दे रहे हैं। तो ये एक ऐसा नजारा है, एक ऐसा संदेश भाजपा का यहां पर देने की कोशिश की जा रही है कि भाजपा हमेशा से एकजुटता के साथ आगे बढ़ती है, एकजुटता के साथ आगे काम करती है और एकजुटता के साथ ही देश के विकास तरीके से काम किया जाएगा। अब थोड़ी देर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचने वाले हैं और अब उनके आने का इंतजार यहाँ तमाम नेता कर रहे हैं। भाजपा के जो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कुछ जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उसके अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, उसके अलावा संगठन के मंत्री, कुछ वो लोग पूरी तरह से पीछे लाइन लगाकर खड़े हो गए हैं। जो एक भाजपा की जो एक पूरी तरह से संस्कृति होती है कि वो किस तरह से मंच पर, मंच के पीछे या जहां भी कोई बड़ा नेता आता है तो वो एक लाइन लगाकर हाथ में फूल लेकर खड़े हो जाते हैं, तो वही तरीका पीछे भी अपनाया जा रहा है। सभी लोग अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पीछे पहुंच गए हैं और कुछ मिनटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। एक जो जानकारी थी, क्योंकि अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों एक ही फीट से यहां पर पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग फीट यहां पर पहुंचने वाली है, वो अलग आ रहे हैं। और देखिए हेलीकॉप्टर की आवाज आई है, संभवतः उनकी फ्लीट यहां पहुंच चुकी है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वो भी यहां पर आने वाले हैं और जो इंतजार की घड़ियां हैं वो खत्म होने वाली है, इंतजार खत्म होने वाला है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी शपथ लेने वाले हैं। मंच पर जो उत्तराखंड के मुख्य सचिव है एसएस संधू वो मौजूद है, व्यवस्थाएं पूरी तरह से उनके हाथ में है मंच की, क्योंकि देश के वरिष्ठतम नेता यहां मंच पर बैठे हुए हैं, तो सारी जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं उनकी हैं। मंच के अगर हम बाईं तरफ देखेंगे तो वहां पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, पदाधिकारी को और विधायकों को बैठने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन एक जो हमारी हिंदुत्व की संस्कृति है वो संस्कृति हमें इस साइड नजर आ रही है। आप इधर देखेंगे तो ये वो मंच है जहां पर हमारे उत्तराखंड के क्या देश के बड़े नामचीन जो हमारे यहां के साधु संत है वो बैठे हुए हैं, बालकृष्ण जी बैठे हुए हैं, उनके साथ साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशनंद गिरी बैठे हैं, आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद जी गिरी बैठे हैं, उसके अलावा तमाम जो महान संत है वो यहाँ बैठे हैं, क्योंकि उत्तराखंड को तो तपोभूमि कहा जाता है और तपोभूमि का यहाँ पर पूरा स्वरूप नजर आ रहा है। तमाम साधु संत बैठे हुए हैं और एक बात और देखिए, जो पूर्व विधायक है संजय गुप्ता की एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। संजय गुप्ता देखिए नीचे साधु संतों के मंच के नीचे ही बैठे हैं, वो उनके नीचे बैठे हैं, वो विधायक नहीं बन पाए। संजय गुप्ता वही विधायक है जिन्होंने भाजपा के अध्यक्ष मदन कौशिक पर आरोप लगाए थे और इस मंच की जिम्मेदारी उनको ही दी गई है और वो यहाँ बैठे हुए हैं। मदन कौशिक पर उन्होंने आरोप लगाए बात की है कि को फिर से कमान दी गई है, उनके काफी करीबी माने जाते हैं संजय गुप्ता और यहीं पर वो बैठे हुए हैं और आशीर्वाद देने की कोशिश कर रहे हैं, संतों का आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो नीचे ही बैठ गए हैं, मंच की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो ये मंच सामने नजर आ रहा है, दो मंच सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ। एक मंच जो जहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होगा वो मंच सबसे महत्वपूर्ण है, दूसरा मंच अगर हम देखेंगे तो साधु संतों का मंच है, क्योंकि भाजपा हमेशा अपनी संस्कृति को आगे चल और हमेशा ये कोशिश की जाती है कि जो भी साधु संत हैं, क्योंकि साधु संत तपोभूमि तप करते हैं और तपो के साथ ही हमारा देश की आगे की जो संस्कृति है, हिंदुत्व की जो संस्कृति वो आगे बढ़ती है और उसी का जो पूरा स्वरूप है वो यहाँ नजर आ रहा है। तमाम जो साधु संत हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ वो आशीर्वाद दे रहे हैं। मंच की दूरी तकरीबन अगर हम उस जो जहाँ शपथ ग्रहण समारोह है और साधु संतों के मंच की दूरी की बात करें तो ये तकरीबन 50 मीटर की दूरी होगी और वहीं से जो भी नेता भाजपा का मंच पे आ रहा है वो वहीं से साधु संतों को प्रणाम कर रहा है, वहीं से आशीर्वाद ले रहा है। तो ये एक ऐसा यहाँ का स्वरूप है, यहाँ का ऐसी एक संस्कृति है जो आप पूरी तरह से यहाँ देख सकते हैं, हर तरह से यहाँ पर चीजें नजर आ रही हैं। प्रेमचंद अग्रवाल जो विधानसभा अध्यक्ष से पूर्व में जिनको अब कैबिनेट मंत्री बनने का मौका मिला है वो यहाँ पहुंचे हैं और देखिए सभी का वो अभिनंदन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना, सबसे हाथ जोड़कर नमन कर रहे हैं, सभी को आशीर्वाद ले रहे हैं सबसे, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही प्रेमचंद अग्रवाल को फिर से सरकार में शामिल होने का मौका मिला है। इससे पहले 5 साल वो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और ऋषिकेश से विधायक चुने गए हैं और यहाँ पर वो देखिए सभी से उन्होंने प्रणाम किया है, सभी को नमन किया है, उसके बाद वो अपनी कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। तो जो मंत्री हैं जिनको शपथ लेनी है वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। और एक तस्वीर देखिए, अनिल बलूनी राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी भी पहुंच गए हैं शपथ ग्रहण समारोह में, सामने वो खड़े हुए हैं, वो पहुंचे हुए हैं, अनिल बलूनी आ गए हैं। तो ये तमाम जो भाजपा के नेता हैं उनके आने का सिलसिला जारी है और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और नरेश सभी लोग पहुंच रहे हैं करके और सभी अपने वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि कैबिनेट में जो कुछ चेहरे शामिल किए गए हैं, अगर हम सौरभ बगुड़ा की बात करें तो सौरभ बगुड़ा युवा चेहरा है, युवा मुख्यमंत्री, युवा चेहरा, और उसी के आधार पर कैबिनेट में थोड़ा बदलाव किया गया, जो 70+ से बड़े नेता थे उनको साइड कर दिया है। जैसे बिशन सिंह चुपाल की बात करें तो वो भी कैबिनेट में शामिल नहीं हो पाए, उसके अलावा अगर हम बंशी अग्रवाल की बात करें तो वो भी कैबिनेट में शामिल नहीं हो पाए। इस तरह से अरविंद पांडे को मौका नहीं मिला क्योंकि अरविंद पांडे उधम सिंह नगर से आते हैं, उधम सिंह नगर सीट से ही अरविंद पांडे आते हैं और उधम सिंह नगर जिले से ही जो किच्छा सीट है वहां से सौरभ बहुगुणा आते हैं। तो अगर कोटे के हिसाब से बात की जाए तो उधम सिंह नगर जिले के एक विधायक को कैबिनेट में शामिल किया गया है। पुष्कर सिंह धामी खटीमा से विधायक बने थे, उससे पहले इस बार नहीं जीते, तो अभी उनको हम ये कह सकते हैं कि वो भी उधम सिंह नगर
जिले से ही विधायक बन है और अभी वो मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये तमाम यहाँ पर नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो सबका अभिनंदन करेंगे। उनके आने का किस तरह का उत्साह लोगों में होगा वो तो तस्वीरें देखकर ही पता लगेगा, लेकिन उनके आने के इंतजार में तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे और उनके उसके बाद जो शपथ ग्रहण समारोह है वो यहाँ पर शुरू हो। और देखिए सिक्योरिटी जो है वो अलर्ट हो गई है, सिक्योरिटी अलर्ट हो गई है। और राज्यसभा जो सांसद हैं, महिला सांसद है टिहरी से, वो मंत्री आ गए हैं, वो यहाँ पहुंच रहे हैं। लगातार जो वरिष्ठ नेताओं का आने का है वो जारी है, यहाँ पर लगातार हैं और मंच पर अपनी अपनी कुर्सियां, जो उनकी कुर्सियां हैं बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट है उसके अनुसार यहाँ बैठ रहे हैं। लेकिन इंतजार है सिर्फ और सिर्फ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अभी दो जो बड़े नेता हैं जिनको एक शपथ लेनी है, राज्यपाल गुरमीत सिंह राज्यपाल भी पहुंच गए हैं, उनको शपथ दिलानी है, वो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएंगे, वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी राज्यपाल हैं आज की और वो शपथ दिलाएंगे। तो वो देखिए पहुंच गए हैं सभी नेता, उनका अभिनंदन कर रहे हैं राज्यपाल का उठकर, क्योंकि संवैधानिक पद है और इसीलिए सभी नेताओं का से हाथ जोड़कर वो मिल भी रहे हैं। तो उनका इंतजार हो रहा था गुरमीत सिंह का, वो यहाँ पहुंच गए हैं और अब इंतजार है दो बड़े नेताओं का, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और दूसरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। क्योंकि पिछले कई दिनों से अगर हम मतगणना के बाद से बात करें तो मतगणना के बाद से सभी ये चर्चाएं कर रहे थे कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा और भाजपा ने 21 तारीख को उसका पटाक्षेप कर दिया। और अब मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर शपथ लेने वाले हैं और राज्यपाल मिल रहे हैं। देखिए जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की है, गृह मंत्री से वो अभिनंदन कर रहे हैं, गृह मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं।